जी, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। और आपका नाम पूरा? मेरा नाम असगर हुसैन हुआ सर असगर हुसैन। कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। सर बिहार पटना से बात कर रहे हैं सर। बिहार पटना से बात कर रहे हैं। पटना मेन शहर में रहते हैं कि पटना से बाहर रहते हैं? नहीं सर, पटना से ठीक 30 किलोमीटर दूर पे एक तारेगना स्टेशन पड़ता है, मसौढ़ी सर। ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं आजकल, जॉब वगैरह क्या करते हैं, क्या रोजगार रखा है? सर ऐसे तो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं सर, और सऊदी में भी हम लोग 3 साल रहे हैं सर। सऊदी में 3 साल रहे हैं आप? अच्छा, तिरपन साल में रहे हैं सर में। सऊदी में रहने के बाद वहां से कब वापस आए? सर 2015 अगस्त में आए थे। नहीं 5 साल हो गए। सर 3 साल रहे थे, 2012 में गए थे। हाँ, वही मैंने कहा ना कि 5 साल हो गए आए हुए, मुड़ के आए हुए। जी सर उसके बाद दुबई चले गए थे शारजा अच्छा, फिर दुबई चले विजिट गए थे। किया। अच्छा, फिर दुबई से कब जी आए? सर दुबई से आए हुए 2 साल हो गए सर, वो अच्छा, विजिट वीजा पे थे वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पर जॉब जो चल रही है, यहाँ पर क्या तनख्वाह वाला क्या है, आमदनी यहाँ पर? सर यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, लॉकडाउन के लेके बहुत परेशान हो गए लेबर लोग के लिए। और अपना यहाँ पे वर्क है, सिलाई का काम करते हैं और इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर लेते हैं, तो थोड़ा मतलब 20-22 हजार रुपया कमा लेते हैं, मगर उससे अपना प्रवृत्ति चल नहीं पाती है सर। 20-22 हजार रुपये में प्रवृत्ति चल नहीं पाती है। और आप क्या मतलब बाहर विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? कनाडा का आपको ये कनेक्शन कैसे हो गया, कनाडा से किसने कॉल करा आपको, क्या इसका क्या चक्कर है? सर एक फेसबुक पे एक वांट देखा था सर, उसके बारे में कुछ ज्यादा तो जानकारी नहीं है। एक DHL ऐसा कुछ कुरियर का कंपनी है, अच्छा जी, ओके। तो उस पे मैंने अप्लाई किया था। वो देखा कि उसमें कनाडा का कुछ वांट वगैरह वो दिए हुए था, तो मेरे को कुछ अच्छा लगा। तो PCL कंपनी था, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रुक जाए सर। जरा, 1 मिनट। आपने आपने फेसबुक पे वांट देखा और वहां से आपने अप्लाई किया। DHL कंपनी कुछ और है, PCL कंपनी कुछ और है। जॉब आपने कहाँ अप्लाई करी है, उसमें DHL में या PCL में? सर मैंने अप्लाई तो PCL पे किया था सर। PCL पे किया है। तो PCL की जॉब जो है फेसबुक पे लिखी हुई है और वहां से आपने अप्लाई किया। जी सर उसका अप्लाई, वांट उस पे लिखा हुआ था। दैट्स गुड। अप्लाई करने के बाद कितने देर बाद कोई इंटरव्यू आया या क्या, कैसे बात हुई? सर इंटरव्यू तो नहीं आया था, मैं अप्लाई किया था, उसके बाद ठीक 7 दिन के बाद एक फॉर्म फिल करने के लिए आया मेरे पास। वो उसमें फॉर्म में DHL कुरियर करके लिखा हुआ था, तो मैंने उसको फिल किया। 4 पेज का फॉर्म था, मैंने फिल करके उसको सेंड कर दिया सर। हाँ, और फिर उसके ठीक 15 दिन बाद ये ऑफर लेटर इशू आया है। जस्ट अ मिनट। आपने ये फॉर्म फिल करके ऑनलाइन भेजा, कहाँ भेजा इसको, किधर पे भेजा? सर जिस नंबर से, जो नंबर था वांट के ऊपर ना सर, उसी के नंबर से व्हाट्सएप इशू था, वो उसी व्हाट्सएप इंडिया का कनाडा नंबर था या कनाडा का? कनाडा का है सर। मैं बात किया हूँ उस पे कॉल करके। सर का व्हाट्सएप नंबर आपको याद है, कि बोल सकते हो कुछ यहाँ पर? हाँ सर याद है सर। बोले बोले। सर +1 है, और उसके बाद +1 करके कुछ नंबर था सर, ध्यान से थोड़ा उतरा हुआ है, बट उसपे कॉल हमेशा हमको मतलब बहुत दिन से आ रहा था। जब से अप्लाई किया था तब से हमको मतलब हायर करने का कोशिश किया जा रहा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो फॉर्म भेजा तो मैंने उसको निकाल करके फिल करके उसको जब सेंड किया तब थोड़ा सा। नंबर तो +1 ही होगा, कनाडा का, अमेरिका का नंबर हमेशा +1 से शुरू होता है। जैसे इंडिया का +91 से होता है, वैसे कनाडा का, अमेरिका का +1 से शुरू होता है। जो आपको याद नहीं है, और वो आपको कांटेक्ट कर रहे थे कई बार और आपको ध्यान नहीं किया, फिर आपने करा, इसका मतलब ये है कि वो उससे ज़्यादा के
आपको नौकरी मिले उससे ज्यादा तो उन्हें जरूरत है कि आपको हायरिंग करें, मेरे ख्याल तभी आपको कांटेक्ट कर रहे थे बार बार। हाँ सर, ऐसा तो था कि वो बार बार कॉल करते थे, बट अपने कामों में एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन के वजह से अपना तो काम चल नहीं रहा और इधर उधर से काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सही तो बात इसके लिए कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं उनका कॉल कभी कभी रिसीव भी कर लिया करता था, तो वो इंग्लिश में बात करते थे तो हमको उतना समझ में नहीं आता था, मगर जो भी एजुकेशन के हिसाब से जो हमारी जो मतलब कि क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से हमको कुछ समझ में आता था तो उससे बात कर पाते थे। इंग्लिश में बात कर रहे थे, लग रहा है कि कोई इंडियन आदमी बोल रहा है कि बाहर का कोई गोरा वोरा, कोई बाहर का कोई अंग्रेज बोल रहा है, कैसे लग रहा है इंग्लिश में? क्योंकि सर हम भी गल्फ में रहे थे तो थोड़ी जवान का तो पकड़ है, ये कोई फिलिपिनी है सर, ये फिलिपिनी है? अच्छा, फिलिपिनी भी समझ गए कि ये फिलिपिनी है। अच्छा, हाँ ये फिलिपिनी, उसका लैंग्वेज जो है इंग्लिश का कुछ और मतलब लैंग्वेज सट रहा था तो मेरे को लगा फिलिपिनी है। अच्छा चलिए, तो बहरहाल उन्होंने आपको जॉब दे दी, आपको पीसीएल कंपनी में जॉब दे दी। पीसीएल कंपनी के बारे में आपको मालूम है, कौन है पीसीएल कंपनी, कुछ कुछ है इल्म है इसके बारे में? नहीं सर, उसके बारे में तो इलिम नहीं है, मगर इतना जानकारी था कि पीसीएल कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारी कंपनी है, मगर मैं जब देखा उस पे के मतलब पीसीएल का वांट है तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं अप्लाई किया था। नहीं, वांट तो है उसकी पीसीएल की, लेकिन आपको पीसीएल के बारे में थोड़ा सा अगर पता होता ना कि पीसीएल कंपनी कौन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या? हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, कुछ देख पा रहे हैं क्या आपको अपने हाँ, ये सॉफ्टवेयर पीसीएल स्क्रीन? कंपनी का फॉर्म है सर। हाँ, पीसीएल कंपनी का फॉर्म है, आपने सही कहा। और हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं और जो और भी लोग इसको देख रहे हैं वो भी देख सकें कि पीसीएल कंपनी का इन्होंने जॉब कंफर्मेशन अप्रूवल दिया है, और जो भी लिखा हुआ है आपका नाम है और 3 ईयर्स जो भी कुछ लिखा हुआ है, और इसमें उन्होंने एक किसी का नाम भी डाला हुआ है, नीचे अप्रूव की सील लगी है और नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये मैं आपको पहले दिखा दूं आपको भी और दोबारा जो भी और भी लोग देख रहे हैं उनको भी कि ये कंपनी की क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजे हैं और ये इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक सेकेंड में, पीसीएल कंपनी जो है ना, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू इन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ पीसीएल का आया है कुछ? पीसीएल का तो सर इससे पहले नहीं कुछ आया था, ये पीसीएल का जब मैं फॉर्म फिल का डीएचएल का जब फॉर्म फिल करके भेजा था तब उसके बाद पीसीएल करके अप्रूवल आया है। अच्छा, अभी अभी देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि पीसीएल जो कंपनी है ना, ये कंपनी की वेबसाइट दिखाई पड़ रही है आपको शायद। जी सर, इस पे मैंने चेक करने की कोशिश की थी बट हमें इस पे समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पीसीएल तो बहुत बड़ी कंपनी है, इनका तो टर्नओवर शेयर बिलियंस में है, मेरे को पता नहीं कितने बिलियंस में है। और बड़े मजे की बात है, ये कंपनी जिस शहर में मैं रहता हूँ वहीं पर इनका हेडक्वार्टर है, और इसका ईमेल ईमेल एड्रेस तो नहीं होगा यहाँ पर, इसका जो जो एड्रेस है, ये एड्रेस है इसका दे रखा है, एडमिंटन वाला सारा एड्रेस दिखा है, और यही एड्रेस कॉपी करके उन्होंने आपके जॉब ऑफर पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये हायरिंग करते तो हैं, ये पीसीएल ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये बहुत नामी ग्रामी कंपनी है। जैसे कि अब मैं इंडिया की कंपनी से किससे कंपेयर करूं, जैसे टाटा बिरला रिलायंस वाला इस तरह की कंपनी है ना, इस मुकाबले की कंपनी है पीसीएल। और जाहिर है कि किसी ने यहाँ से कॉपी करके यहाँ की लैंग्वेज थोड़े बहुत वर्ड्स डाल के कंस्ट्रक्शन का जो जॉब वगैरह करके किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी कि भई ये ऐसे में आपको जॉब दिला देंगे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यू नो somebody is trying to make you know make a fool out of you. इसमें ये लोग ऐसे जॉब देते नहीं है, पीसीएल वाले जब जॉब देते हैं अगर वो किसी को देंगे ना तो उनका रिक्रूटमेंट का एक प्रॉपर एक तरीका है, उनका एक रेज्यूमे सिस्टम है और उनके जो एचआर मैनेजर हैं बड़े बड़े, और वो फिर जाके वो इंटरव्यू करते हैं, कई राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार फ़ोन किया व्हाट्सएप से आ गया, और फिर उनके टेस्टिंग होते हैं। अगर आप ये ट्रेड की जॉब ले रहे हो जैसे इलेक्ट्रिकल की, अगर आप कोई इस तरह की जॉब ले रहा है उसके लिए तो जब तक आपके पास कनाडा का जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो तब तक आप जॉब कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से मतलब जो भी इंसान आपको कोई ये जॉब का झांसा दे रहा है वो जरूर आपको झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। और ये पीसीएल का जॉब तो है ही नहीं, पहली बात तो ये है कि वो मैंने चेक कर लिया, ये जो जॉब आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ये पीसीएल के नहीं है।
तो ये इससे बात क्लियर हो गई। अब बाकी अब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में, और कोई अगर आपको सवाल पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मैं जब ये भेजा है वो आदमी, तो मैं इसको ये हमको सिग्नेचर करके ये सेंड करना है। मैंने अभी सिग्नेचर नहीं किया है। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो प्रिंटर है वो खराब हो चुकी है, तो मैं निकाल के अच्छा मैं हाँ अच्छा अच्छा आपकी किस्मत अच्छी है कि आपका प्रिंटर खराब हो चुका है और आपने साइन नहीं किया, क्योंकि इसको अगर साइन कर दें या ना कर दें उससे कुछ नहीं होने वाला। जिसको पैसे कमाने हैं उन्होंने आपसे पैसे कुछ ना कुछ चार्ज कर लेने हैं, तो आप चाहे साइन करें या ना करें, दिस इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। तो आप ये देखें कि भाई आपको उससे क्या बात करनी है आगे। मैंने आपको एक राज खोल दिया कि ये जो ये सब नकली है, और एक डॉक्यूमेंट आपने और भेजा है, इन्होंने पीसीएल कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है ऊपर, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया एम्बेसी। अब दिख रहा है कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? जी सर, जी सर देख रहे हैं। इस कितनी कितना बेहुदा मजाक किया है, ऊपर एक शेर का उधर लगा दिया है, इधर पर कनाडा का इंसिग्निया लगा दिया है, और ऐसा उन्होंने ऐसे डाल दिया है। मतलब कि इसको देखकर मेरे को हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो के इतने बड़े बड़े चोर चक्के घूम रहे हैं और आप जैसे लोगों को फंसा रहे हैं जिनको कनाडा के बारे में नॉलेज नहीं है, और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इसमें। इट इज वेरी वेरी स्टूपिड टू इवन से कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे कर रहे हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और ये सब बेकार है, ये सब नकली है। इसलिए आप इनके झांसे में मत आए, इनको आप जो कहना है उनको कह सकते हैं, मैंने अपना फैसला सुना दिया, ये सब नकली है। सबसे बड़ी बात है सर कि हम आपका वीडियो बार बार देखते हैं, तो आपसे बहुत हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के कारण हुआ कि ये आदमी हमको बहुत बार पैसे के लिए, मतलब कि ये किया कि मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, बट मैंने अभी तक इसको 1 रुपया दिया नहीं है। इसलिए कि आपका जब भी मैं वीडियो देखता हूँ तो पेपर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कौन कौन सा पेपर कौन कौन सा कंट्री में ज़्यादा अप्रूवल होता है। अजगर अजगर हुसैन, अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा हुआ है और आपके पैसे बच गए हैं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया इससे। और बात मेरे मेरे को बड़ी खुशी है कि YouTube के माध्यम से बिहार के छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे प्रांतों में, यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत तरह तरह के लोग कांटेक्ट करते हैं जॉब ऑफर को चेक कराने के लिए। अगर आपका फायदा हो गया और आपके पैसे बच गए और आप इससे इस वीडियो से लाभान्वित हुए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बट सर एक बात थी सर, बोले बात ये थी सर कि आपने एक पेपर कनाडा के लिए, और बोलते बार बार हम आपके वीडियो में वो सुना है, LMI का जो पेपर होता है, लेबर मेनुअलिटी ऐसी कुछ है, मतलब उसका फुल फॉर्म बनता है। तो मैं जब ये पेपर, ये हमारे पास जो वर्क परमिट का पेपर जब ये सेंड किया, तो मैंने उससे मतलब कि बताया कि एक पेपर और हमें इसमें चाहिए, या तो वो बोला कि मैं वो भी सेंड कर दूंगा, तुम पैसा सेंड करोगे तब मैं सेंड करूंगा। मैं बोला मैं पहले पैसा नहीं देने वाला, मेरे को पूरा काम चाहिए, उसके बाद वीजा दोगे तब मैं पैसा दूंगा भाई। सही बात है, सही बात है भाई। ऐसा होने चाहिए जैसे कि उनका एक मूड होता है कि भाई आपसे कुछ 10-15 हज़ार रुपए आपसे कमा लिए, फिर दूसरे को चूना लगाया, फिर तीसरे को गया, अगर थोड़ा थोड़े पैसे कमा लिए फिर पेपर भेजने की जरूरत ही क्या है। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। और इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले चेक करें कि आदमी वो कौन है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, क्या वो वकील है, क्या वो लाइसेंस शुदा एक कंसल्टेंट है, उसका लाइसेंस चेक करें, उसका कोई एड्रेस वगैरह पहले, अगर वो कनाडा का बोल रहा है कि कनाडा से हूँ तो उसका चेक करें, उसके बाद कोई बातें करें। जॉब की बातें तो बाद में होंगी, पहले ये पता लग जाए कि वो वकील है भी है कि नहीं, अगर वो लाइसेंस होल्डर है तो उसका लाइसेंस का नंबर है, पहले वो पता करें, उसके बारे में जॉब की बात बाद में होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताएं, और अजगर और मेरे लिए और कोई हुक्म है तो, अगर नहीं है तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप बताएं अगर कोई और कोई मेरे लिए कुछ अगर सवाल है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के लिए थोड़ा परेशान थे सर, सुबह में हम आपका नंबर अप्लाई किया था, मैं सोचा व्हाट्सएप पे शायद आपसे बात हो जाएगी, बट नहीं हो पाई। तो अभी आपने स्काइवे का ऑप्शन दिया तो मेरे को याद आ गया कि गल्फ में तो एक स्काइवे चलता ही है, चलिए मैं डाउनलोड कर रहा था, टाइम थोड़ा मर गया, इसके लिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉरी, कुछ कोई कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। और
आपने कॉल किया, आपने मौका दिया बात करने के लिए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सर एक बात पूछनी थी सर, कनाडा के लिए ऑनलाइन जो अप्लाई होता है वो कौन सा वेबसाइट से होता है? मैं बहुत खोजता हूँ बट मिलता नहीं है। सर जी वो मिलेगा मिलेगा भी नहीं, वो थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, होते होती भी हैं और करते भी होते हैं, लेकिन जो आपका जो जॉब है ना, जो ट्रेड है, उसमें आपको जॉब मिलनी ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, इसलिए उस पे अभी आप ध्यान करना ही छोड़ दो, क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसके लिए पहले एग्जामिनेशन पास करना होता है, या आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि कोई एम्प्लॉयर आपको इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के बिना ही आपको जॉब दे दे, अगर वो सेटिस्फाइड हैं, तो दोनों बातें बहुत ही एक दूभर बातें हैं, मुश्किल बातें हैं इस वक्त, तो इसलिए अभी उस तरफ बातें छोड़ दो, आप जम के अपना इंडिया में काम करो, अगर आपको बाहर कहीं काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ करो। अभी अभी कनाडा का इलेक्ट्रीशियन का जॉब मिलना आई वुड से इट्स नियर इम्पॉसिबल, अभी इसके बारे में सोचना भी मतलब भी नहीं है, जब हालात ठीक होंगे, जब कोरोना वायरस ठीक होगा उसके बाद फिर सोचना। मीनवाइल अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, आईएलएस का टेस्ट दो, इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के बारे में पढ़ो, अगर इलेक्ट्रीशियन का और कोई कोर्सेज करना है तो वो कोर्सेज करो आप। ओके सर, ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अजगर, ठीक है, अरे हम बहुत हैप्पी हो गए सर, थैंक यू सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।